कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार की सुबह से ही भागलपुर एवं आसपास के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा और भगवान विष्णु समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। वहीं गंगा स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा गंगा में SDRF टीम को तैनात किया गया था, जिससे विशेष परिस्थिति में लोगों को डूबने से बचाया जा सके। साथ ही SDRF टीम लगातार गंगा में गश्ती करते हुए लोगों को खतरनाक जगह पर स्नान नहीं करने को लेकर जागरूक करती रही। इधर भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट, सखीचंद घाट, खेरनी घाट, पुल घाट, नीलकंठ घाट और पिपली धाम घाट समेत कहलगांव के बाबा बटेश्वर स्थान के समीप भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच वस्त्र, भोजन और पैसे का दान किया। बता दें कि इस दौरान कई महिला श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर उत्तरकाशी में टनल निर्माण के दौरान गिरे मलबे के बीच फंसे मजदूरों के सुरक्षित वापसी और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। महिलाओं ने कहा कि वो सभी ईश्वर से सभी मजदूरों और उनके परिवारजनों के कुशल होने की कामना करती है, जिससे टनल में फंसे हुए सभी मजदूर स्वस्थ बाहर आ सके। वहीं सनातन मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा समेत विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का विशेष महत्व है, जिसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। जबकि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए कार्तिक मास में ही मत्स्य रूप में अवतार लिया था। गंगा स्नान करने के लिए आए थे, आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का महत्व है, इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं। और कहा जाता है कि ये देव दीपावली भी है और हम लोग अपने परिवार और परिवार के कुशल कामनाओं के लिए आज दीप दान करके भगवान से प्रार्थना किए कि हमारे परिवार को खुश रखे। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत बड़ा महत्व है। क्या करते हैं? हम लोग गंगा स्नान करते हैं, स्नान करके दीप दान करते हैं। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत बैठक आयोजित की गई। इस दौरान निर्वाचन सूची प्रेषक सह भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ERO एवं ERO के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त संजय कुमार सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव की कई रणनीतियों और नियमों के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि किस तरह से 2024 का आम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। वहीं इस दौरान कई बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ERO और ERO के कार्यकर्ताओं से भी सलाह ली गई। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। इधर मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने, नए और युवा मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने, मतदाता पहचान पत्र बनाने समेत निर्वाचन से जुड़े कार्यों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संपन्न कराने की बात कही गई। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि नए युवा वोटरों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कर उनका मतदाता पहचान पत्र निर्गत किया जा सके। साथ ही DM ने कहा कि अगर मतदान देने के लिए किसी मतदाता के पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो ऐसे मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा बैठक में विवाह के पश्चात विवाहिता का पता बदलने या सुधार कराने का भी निर्णय लिया, जिससे किसी भी बाधा के कारण वोटर मतदान से वंचित नहीं रह सके। साथ ही इससे संबंधित जानकारी या समस्या को लेकर विभाग द्वारा मतदाताओं के लिए 1950 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। बैठक के दौरान सदर SDO धनंजय कुमार के अलावा निर्वाचन विभाग समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 27 अक्टूबर को और एक माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन BLOs बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं।
हमारा टोल फ्री नंबर 1950-1950 ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जानना समझना हो तो आप उस पर सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक की गई और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही हैं और उनका निवास का पता अपने पिता के निवास स्थान का है, तो ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ द्वारा नए निवास स्थान के पते की मांग की जा रही है। तो ये उचित नहीं है, उसमें अगर उनके पति या ससुर का पता और वोटर आईडी कार्ड उनका अगर नाम है और वो लिख करके देते हैं, बीएलओ के जांच में पाया जाता है कि वो विवाह के बाद उस स्थान पर आकर के रह रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ना है। तो इस तरह की सामान्य जो है कहीं भी किसी तरह की कोई इशू अगर हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया। आज कमिश्नर सर का विजिट भी था और आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि यंग वोटर्स जो भी हैं जिनका 18 साल 1 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है वो लोग निश्चित रूप से अप्लाई करें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बीएलओ को भी दे सकते हैं आवेदन, आप बीडीओ एसडीओ ऑफिस में भी दे सकते हैं और ऑनलाइन तो सबसे आसान तरीका है, इमीडिएटली आपका आवेदन जो है अगले एक माह में स्वीकृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका 18 साल अगले साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर को भी पूरा हो रहा है वो भी अभी आवेदन दे सकते हैं, जब समय आएगा तो उस समय जब वो 18 के हो जाएंगे तो उस समय उनका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम हटाने का दायित्व परिवार के सदस्यों का है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं आक्षेप करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र या जो संबंधित दस्तावेज है वो लगा करके। तो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हटवाने का दायित्व परिवार का है, तो वो भी आवेदन करें। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन है, अगर आपके परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है अपना आवेदन दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वा लें। ये हम लोगों की लगातार अपील भी है और आज की मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित और भागलपुर आयकर विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय इनकम टैक्स हब कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुति और सम्मान समारोह के साथ संपन्न हो गया। देश के 7 शहरों में इनकम टैक्स हब आयोजित किया जा रहा है जिसमें से भागलपुर तीसरा शहर है जहाँ यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस दौरान आयकर विभाग द्वारा शहरवासियों, करदाताओं एवं भविष्य के करदाताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ टैक्स से जुड़ी सूचना और जानकारी प्रदान करने के अलावा शिकायतों को भी दर्ज करवा कर उसके शीघ्र निष्पादन कराने की व्यवस्था की गई। वहीं इनकम टैक्स हब में बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर की व्यवस्था की गई थी जहां वीडियो गेम के अलावा मनोरंजन के लिए कई व्यवस्था की गई थी। साथ ही बच्चों ने प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया जबकि विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मंच पर नृत्य गायन एवं भाषण प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों और प्रतिभागियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में विभिन्न जिले से आए कुल 36 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया जबकि सैकड़ों करदाताओं को विभिन्न प्रकार के आयकर संबंधित सूचनाएं एवं जानकारियां प्रदान कर उनकी शिकायतों को भी दर्ज किया गया। इसके अलावा TDS 180 समेत इनकम टैक्स से जुड़े कई विषयों पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई जबकि कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। समापन समारोह के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कुमार संजय, प्रधान आयकर आयुक्त निखिल चौधरी, आयकर आयुक्त अपील श्रवण कुमार समेत आयकर विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं
तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार 24 हफ्ते वैकेंसी। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम उत्तर वाहिनी गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों से आए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने गंगा में दीपदान, अन्नदान और फलदान करते हुए भोलेनाथ, माता पार्वती और कार्तिक भगवान की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तर वाहिनी गंगा में सभी देवी देवताओं का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसमें डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। वहीं इस दौरान गंगा स्नान करने के बाद काफी संख्या में शिव भक्त कांवरिया अजगैबीनाथ से उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन के निर्देश पर गंगा घाट एवं चौक चौराहों पर पुरुष और महिला पुलिस बल के अलावा सैफ के जवानों को तैनात किया गया था, जबकि नगर परिषद के द्वारा गंगा घाट से लेकर पूरे शहर में सफाई की व्यवस्था की गई थी। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों से भक्त उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर दीपदान और अन्नदान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है, इसको करने से या कार्तिक मास में मनाया जाता है, इसे मनाने से बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें हरिशंकर यानी विष्णु भगवान की पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग एक महीना स्नान करते हैं तो उसका लास्ट के दिन आज होता है। एक महीना कार्तिक नहाने के बाद लास्ट के दिन मेला लगता है। जहाँ जहाँ गंगा है और जहाँ जहाँ बड़े बड़े तालाब हैं जहाँ मेला लगता है, वहाँ आज कार्तिक महात्म बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है स्नान करते हैं और उनको भगवान, कल दीप दिवाली आज है, भगवान को जो है संयम से उठते हैं और जगाया जाता है और एकादशी के दिन से उठा दिया गया है। दिवाली आज की दिवाली है तो इस तरीके से भगवान का पूजन पाठ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से बहुत अच्छा फल मिलता है और भगवान सायं से उठ जागते हैं। भागलपुर के सनौला थाना परिसर में रविवार को विदाई सह अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान निवर्तमान थाना अध्यक्ष का विदाई समारोह मनाया गया, जबकि थाना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले नए थाना अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। बता दें कि निवर्तमान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार का स्थानांतरण हो गया, जबकि चंदन कुमार को नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने निवर्तमान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के कार्यकाल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए शाल, फूल माला एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने भी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें यहां के लोगों का हर कार्य में सहयोग मिलता रहा है, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।